नमस्कार, न्यूज वाले इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में 8 नवंबर 2023 को एक प्रसूता के गायब होने और अगले दिन शव मिलने के मामले में एक महीने बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 7 डॉक्टर सहित एक सफाई कर्मी पर मानव अंग तस्करी और दुष्कर्म सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने इस मामले की जाँच की थी, अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। ये मामला मुकदमा दर्ज होने के एक महीने तक दबाकर रखा गया था। जब कार्रवाई को लेकर परिजन डीआईजी कार्यालय पहुंचे तब मुकदमा दर्ज होने का मामला तब उसका खुलासा हो पाया, जिसके बाद से जनपद में ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि अतरा निवासी राम सेवक अपनी 42 वर्षीय पत्नी को लेकर 3 नवम्बर 2023 को मेडिकल कॉलेज बांदा में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। उसी दिन शाम को ऑपरेशन से बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद महिला का मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा था और 7 तारीख को अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे ट्रीटमेंट दिया गया पर उसकी और तबीयत बिगड़ने लगी। फिर 8 तारीख की सुबह 5:30 बजे वो वार्ड से गायब हो गई। इसके बाद परिजन उसे ढूंढते रहे, ना मिलने पर पुलिस को सूचना दी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सूचना दी, पर महिला नहीं मिली। अगले दिन सुबह इस बिल्डिंग के पीछे महिला का सौ में इसके कुछ अंग भी गायब थे और शरीर में कई जगह चोटें भी थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की और जांच के आदेश दिए। इसके एक महीने बाद मृतका के पति की तहरीर पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 7 डॉक्टरों सहित एक सफाई कर्मी पर मानव अंग तस्करी और दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बताइए क्यों आए थे आज डीआईजी मिलने, क्या कारण? देखिए, 8 नवंबर को घटना हुई थी, श्रीमती पंचवटी विश्वकर्मा जी की डिलीवरी हुई थी और वो अचानक दूसरे दिन मतलब वहाँ से उनको ऐसे किडनैप कर लिया गया। इसके बाद 29 घंटे बाद उनकी लाश नाले पर मिलती है, उनकी बच्ची भी पैदा हुई, ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि जिस कमरे में उनकी डेड बॉडी रखी थी वो छुपा करके रखे थे, उसमें ताला लगा था, उसको खोल नहीं रहे थे, बोल रहे थे चाबी नहीं है, और उसके जस्ट नीचे नाली वहाँ पर लाश मिलती है और उनका हाथ कट गया, मतलब मिला नहीं, आज तक नहीं मिला है। और पीड़ितों का ये कहना है कि हमने जब बांदा पुलिस अधीक्षक से इस मामले में बात किया तो उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है। रायबरेली में जमीनी विवाद के चलते मामूली कहासुनी के दौरान कानपुर में तैनात दरोगा की गुंडई सामने आई है। अपने साथियों के साथ मिलकर छुट्टी के दौरान गांव आए दरोगा ने जमीनी विवाद में घर में घुसकर युवक के साथ मारपीट की। दरोगा का गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला उचहार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीगंज गाँव का है, जहाँ जमीनी विवाद के चलते शुरू हुई मामूली कहासुनी को लेकर छुट्टी पर आए दरोगा देवेंद्र यादव ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर आशुतोष पर हमला कर दिया। जब दबंगों के हमले से जान बचाकर ये घर के अंदर भागा तो दरोगा ने घर से खींचकर मारपीट की और बेटे को बचाने दौड़ी। उसकी मां और बहन के साथ भी दरोगा ने मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कि हमको वहां मारा पीटा गया, देवेंद्र कुमार यादव और आनंद प्रकाश सना जनार्दन प्रसाद, अनूप कुमार सना शारदा प्रसाद, नीरज कुमार सना राजनारायण, ये सब लोग जुट के हमारी दुकान पर आए और हमको हमारे बच्चों को घर से घसीट के मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे और आसपास के सब लोग आए और बीच बचाव करने लगे। उसके बाद हम लोग को पीटते रहे। कासगंज जनपद में बड़े धूमधाम से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन पर सदर विधायक ने कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। सदर विधायक ने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह की बाबरी मस्जिद का विध्वंस देन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते स्वर्गीय कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराया था। विध्वंस के चलते आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का स्वर्गीय कल्याण सिंह का सपना था। मूर्ति अनावरण के बाद सदर विधायक ने जनसभा को भी संबोधित किया।
खबर गोंडा से है, जहां अवैध तरीके से संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी हुई है। लगातार मिल रही शिकायत के चलते एसएमओ डॉक्टर आदित्य वर्मा के साथ एसडीएम श्याम कुमार और सीएससी अधीक्षक डॉक्टर के अलावा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवैध तरीके से चल रहे एसके जनता हॉस्पिटल पर छापेमारी की और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अवैध तरीके से संचालित हो रहे निजी नर्सिंग होम में ना ही कोई प्रशिक्षित डॉक्टर मिला, ना ही कोई नर्स या ना ही मेडिकल स्टाफ वहां पर पाया गया। जांच में ये भी पाया गया कि वहां पर गलत तरीके से सर्जरी भी की गई और कई महिलाओं का प्रसव भी कराया गया। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद देर रात छापेमारी की गई। में क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अवैध रूप से संचालित हो रहा था। यहाँ ओटी भी संचालित थी और मरीजों के ऑपरेशन भी हो रहे थे। कोई भी डॉक्टर नहीं, यहाँ नाम पता कुछ नहीं है, बीएसटी भी नहीं बन रही है। इस वजह से पहले ही शिकायतें भी मिल रही थी, इनको नोटिस भी दिया गया इस बात के लिए कि मरीजों को शिफ्ट कर दें, अस्पताल से करना है, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुना, इस वजह से आज ये कार्रवाई की। कितने दिन पहले नोटिस दिया गया था? नोटिस करीब 3 दिन पहले दिया गया। कितने पेशेंट मिले सर? अभी 4 पेशेंट मिले हैं जो सीजेरियन किए हुए हैं, उनको शिफ्ट कराया जा रहा है जिला महिला अस्पताल में। सर आज के डेट में क्या क्या कार्रवाई की गई है? आज की डेट में इसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। आज से तो क्या इसके अंतर्गत सर वो मेडिकल स्टोर भी चल रहे थे? मेडिकल स्टोर भी संचालित था और उसका भी लाइसेंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता है तब तक संचालित नहीं कर सकते। क्या सर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, की जाएगी। झांसी में भारतीय हल्दर किसान यूनियन के तत्वाधन में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी पंडित अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में दिया गया। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा के मुद्दे को पटल पर रखते हुए कहा कि भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी पर 2 बार अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला करने की कोशिश की, जिसमें उनकी जान तो बच गई लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा थाना फरिया जनपद फिरोजाबाद पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, जो किसान हित में कार्य कर रहे हैं और लगातार उनके प्रोग्राम संपूर्ण भारत में रहते हैं, हालत को देखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, किसान की समस्याओं को लेकर भारतीय हल्दर किसान यूनियन के आज हम लोग ज्ञापन दे रहे अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ है, उसको लेकर भी हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं किसान समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे खाद की समस्या हो चाहे बिजली की समस्या हो। आज जब किसान को पानी के लिए लाइट की जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है, तो लाइट घंटों गायब होती है, जिससे किसान की फसल चौपट होती है। हम तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि किसानी की समस्याओं को जड़ से मिटाया जाए, जिससे कि देश हरा भरा और उन्नत हो सके। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां लिंगेश्वर मंदिर की 4 दीवारी तोड़ने के मामले में पुजारी और स्थानीय लोगों ने मंदिर की दीवार को तोड़ने का प्रशासन पर आरोप लगाया है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर जाम लगा जिससे आम जनता की मुसीबत का कारण बना रहा। धार्मिक स्थल में चल रहे निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए एसडीएम की अगुवाई में टीम ने ध्वस्त करवाया था। वहीं पुलिस प्रशासन के सामने मंदिर की दीवार दोबारा बनाने में स्थानीय लोग जुटे रहे। मामला सदर कोतवाली इलाके के नेहरू पार्क के सामने का है। सहारनपुर के थाना नौनौतवा पुलिस द्वारा अभियान ऑपरेशन क्लीन के तहत आबाकारी अधिनियम से संबंधित अवैध शराब के 52 मुकदमों में बरामद की गई कुल 825 लीटर कच्ची देशी और अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण कराया गया। वहीं सहारनपुर में पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी की 3 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए
अंतरजातीय गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेसवार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना बेहट पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी की तीन घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिर चोर राम मेहर सिंह पुत्र फूल सिंह और सचिन पुत्र सतपाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी के तीन ट्रैक्टर और दो ट्रॉली बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त घटना के अनावरण में सम्मिलित टीम सहारनपुर के एसएसपी के द्वारा उत्साहवर्धन के लिए 25,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई है। ये पिछले महीने 12 दिसंबर को एक वादी है जो कि किसान है बड़गांव थाना क्षेत्र के, उन्होंने थाना बेहट पर आकर सूचना दी कि उनकी जो ट्रैक्टर की बुकिंग एक व्यक्ति द्वारा की गई और बड़गांव से उसे ले गया बेहट और वहां पर कुछ नशीला पदार्थ उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिलवाया गया जिससे कि वह बेहोश हो गया और फिर जो अभियुक्त है उसने उसका ट्रैक्टर चोरी कर लिया और जो किसान है उसको नशे की हालत में सरसावा थाना क्षेत्र के किसी एरिया में छोड़कर वहां से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। वहीं फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष अशोक उत्तम के नेतृत्व में नहर कॉलोनी परिसर में पहुंचे किसानों ने मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद किसानों ने धरना देते हुए अपनी अपनी समस्याओं को रखा। किसानों की समस्या सुनने के बाद जुलूस के रूप में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कासगंज में सीएससी संचालक को ठग ने चूना लगाया। शातिर ठग ने 15,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, साथ ही 150 रुपए की कमीशन के चक्कर में सीएससी संचालक 15,000 गवा बैठा। ठग ने सीएससी संचालक को मोबाइल नंबर देकर रईस खान नाम के एक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करवाए। सीएससी संचालक की दुकान पर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर ठग चकमा देकर फरार हो गया। वहीं ठगी करने वाले युवक का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ठगी का शिकार सीएससी संचालक मोहम्मद नाजिम ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है। मामला सहावर कस्बे के हाईटेक सीएससी केंद्र का है। वाराणसी में दो अंतरजनपदीय शातिर वाहन चोर 6 अदद बुलेट मोटरसाइकिल और 1 अदद स्कूटी के साथ थाना चौक आदमपुर और जैतपुरा की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस उपायुक्त जोन कासी और सहायक पुलिस आयुक्त दसवा मेघ कोतवाली चेतगंज के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक, प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा और प्रभारी निरीक्षक आदमपुर की संयुक्त टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन और तलाश वंचित अभियुक्त के क्रम में थाना चौक तथा थाना आदमपुर और जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी के मुकदमे में भी वंचित दो नफर अभियुक्तगण दीपक कुमार सिंह और अभियुक्त आलोक सेठ को चोरी के 6 अदद बुलेट एक अदद स्कूटी के साथ कबीर चौर अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध आवश्यक विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आईजी जोन लखनऊ तरुण गाबा उन्नाव पहुंचे, जहां युवक की हत्या के मामले में एसआईटी गठित की गई हुई है। बता दें कि प्रेमिका के घर में युवक का शव मिला था। मृतक युवक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई थी। वहीं कार्रवाई न होने से पीड़ित परिजन हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट की फटकार पर उन्नाव के घटनास्थल पर जाँच करने एसआईटी टीम पहुंची। आईजी रेंज लखनऊ के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने निरीक्षण किया। एसआईटी टीम ने परिजनों का बयान दर्ज किया है। मामला हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बख्शीखेड़ा गांव का है। बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का लोगों को लंबे समय से इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजेंगे।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष राम मंदिर को लेकर हमेशा भाजपा पर तंज कसता था, लेकिन अब विपक्ष पर चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं बचा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय चुनाव को लेकर तैयार है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।